हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो अपना टॉपिक चल रहा था गौड़ जनजाति का, बीए पार्ट सेकंड में जो जनजातियों वाला जो टॉपिक था उसमें अपन ने उनकी जो निवास क्षेत्रों के बारे में, उनके आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में, उनके निवास क्षेत्रों के बारे में अपने पिछले वीडियो तक अपन ने पढ़ा। आज अपन जो गौड़ जनजाति है उन लोगों में समाज और संस्कृति किस प्रकार की पाई जाती है, उनकी क्या मान्यताएं हैं, किन देवी देवताओं को पूजा करते हैं, उनके जो प्रधान जो होते हैं वो किस प्रकार से इनका इतिहास को सुनाते हैं, और साथ ही जो वर्तमान जो परिवेश जो बदल रहा है, आधुनिक जो संस्कृति में जो बदलाव आ रहे हैं, इस आधुनिक संस्कृति का गौड़ जनजाति के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा और वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है, इन सब के बारे में अपन आज इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन उनकी जो समाज और संस्कृति के बारे में परिवार की अपन बात कर लेते हैं कि इनका जो परिवार होता है वो किस प्रकार का होता है, यानी जो परिवार होता है वो पितृसत्तात्मक परिवार होता है। पितृसत्तात्मक परिवार इनमें होता है। पितृसत्तात्मक का मीन्स होता है कि जो परिवार की जो सारी जिम्मेदारियां होती हैं या जो समाज में जो महत्व होता है वो परिवार के मुखिया को होता है, और मुखिया जो होता है वो परिवार का सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति होता है उसको परिवार का मुखिया माना जाता है, बनाया जाता है, और परिवार की जो भी आवश्यकताएँ हैं कि उनकी पूर्ति परिवार के मुखिया के द्वारा ही जो है की जाती हैं। यानी कि जो परिवार की जो आवश्यकताओं की जो अपन कहें कि जो भी उनकी विवाह संबंधी संस्कारों के मामले में हो, उनके खान पान की व्यवस्था हो, या अन्य जो भी परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उन सभी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो परिवार के मुखिया के द्वारा की जाती है। अपन कह सकते हैं कि परिवार इनका पितृसत्तात्मक होता है। जब इनके परिवार में अपन कहें कि जैसे पिता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, पिता की जो मृत्यु के बाद में इनकी जो संपत्ति है उस संपत्ति का जो बंटवारा है, यानी कि जो अपने पास में इनकी जो संपत्ति है उस संपत्ति का जो बंटवारा है वो उनके पुत्रों में कर दिया जाता है। यानी कि इनका जो संपत्ति का बंटवारा इनके पुत्रों में कर दिया जाता है, और परिवार में जो भी अपन बात करते हैं कि जो भी इनकी संपत्ति रहेगी उनका बंटवारा कहाँ कर दिया, इनके जो हैं उनमें पुत्रों में कर दिया जाता है। जब अपन बात करते हैं इनमें विवाह, यानी कि जब विवाह संस्कार की अपन बात करते हैं कि गौड़ जनजाति में जो विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें विवाह की अपन बात करते हैं जैसे सेवा विवाह। सेवा विवाह में क्या होता है कि जो भी कोई परिवार का या कोई लड़की है या जो लड़की है वो किसी के भी घर जाकर वहाँ पर उस परिवार की जो खेती बाड़ी होती है या जो भी उनके घरेलू जो कार्य होते हैं उनमें उनका सहयोग करते हैं, 4-5 साल तक वो कार्य करते रहते हैं, और उनके बाद में उनकी शादी कर दी जाती है। ऐसा जो विवाह होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सेवा विवाह कहते हैं। और जब सेवा विवाह में जब वो जो लड़का है वो उसे ससुराल में जो जाकर हैं पर जो अपन कहें कि वहाँ पर जो यानी ससुराल में जाकर रहने लग जाए, वहीं पर अपन कह सकते हैं घर जमाई जिसको अपन जाकर वो रहने लग जाए, उस लड़के के लिए चरघिया, यानी उसको क्या कहा जाता है, चरघिया कहा जाता है। कौन सी स्थिति में, जब सेवा विवाह में लड़का जो है वो ससुराल में जाकर वहाँ पर रहने लग जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, चरघिया कहा जाता है। उसके बाद में इसमें विनिमय विवाह, यानी जिसको अपन आदान प्रदान भी कह सकते हैं, और उसके बाद में हरण विवाह, यानी कि अपहरण करके उठाकर ले जबरदस्ती, और उसके बाद में इनमें विधवा विवाह का भी प्रचलन है, यानी कि विधवा विवाह भी इनमें किया जाता है। एक इनमें जो विवाह का प्रकार है वो है मकली विवाह, यानी कि मकली विवाह अपने कह सकते हैं कि जो गंधर्व विवाह होता है जिसको अपन राक्षस या पेशाच जो होता है उस विवाह का ही दूसरा रूप है। यहाँ पर जो लड़की होती है, कन्या होती है, उसको बहला पुसला कर या उसको उठाकर ले जाते हैं, इसको अपन अपहरण जो विवाह की श्रेणी में भी इसको रख सकते हैं। तो ऐसा जो विवाह का प्रकार होता है उसको अपन क्या कहते हैं, मकली विवाह कहते हैं। इनमें एक अनियमित,
अनियमित विवाह का भी प्रचलन होता है, यानी कि विवाह का जो समय होता है जन्मों जन्मांतरों वाला यहाँ नहीं होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। इस प्रकार के विवाह को जो गौड़ जनजाति हैं उनकी जो भाषा में पेठू विवाह भी कहते हैं, यानी कि पेठू विवाह के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो यह था गौड़ जनजाति में कुछ विवाह संस्कार हैं, और इनमें कुछ विवाह संस्कार अपने जो रीति रिवाज के अनुसार जो ब्रह्म विवाह होते हैं वो भी इनमें संपन्न किए जाते हैं। इनमें जो विवाह किए जाते हैं या विवाह संस्कार जो संपन्न होते हैं वो अपने कोई भी जो प्राकृतिक अपने पास में स्थल होता है, या अपन कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक जो स्थान होता है, जैसे अपने कोई पास में जल स्रोत है यानी नदियां हैं, झील हैं, तालाब हैं, उसके किनारे के पास में, या जो इनके पास में जो वृक्ष होता है, और वृक्ष भी कौन सा, आम के वृक्ष के नीचे इनमें विवाह संस्कार संपन्न किए जाते हैं। यानी कि विवाह संस्कार के लिए स्थान कौन सा, प्राकृतिक स्थान होता है, और प्राकृतिक स्थान में अपने पास में जल स्रोत भी हो सकता है, और वृक्ष भी कौन सा, आम के वृक्ष के नीचे विवाह संस्कार संपन्न किए जाते हैं। इसके बाद में जब बात आती है विवाह विच्छेद यानी कि तलाक, यानी इनमें जो विवाह विच्छेद का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुरुष को होता है, महिलाओं को विवाह विच्छेद के बारे में कोई अधिकार नहीं दिया गया है। और जब इनमें विवाह विच्छेद के समय अगर इनके कोई पुत्र या लड़के लड़कियां होती हैं तो उनकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी इनके पुरुष के द्वारा या उनके पिता के ऊपर रखी जाती है, या अपन कह सकते हैं कि इसमें पूरा का जो पूरा अधिकार वो किसको दिया गया है, पुरुष को दिया गया है। तो यह था इनमें जो अपने पास में जो गौड़ जनजाति के कुछ जनजाति में जो पाए जाने वाले इनके विवाह संस्कार, जिसमें सेवा विवाह, अपहरण विवाह, अपने पास में जो जो है हरण विवाह, विधवा विवाह, और जिसको अपन कैसे चरगिया या अपन कह सकते हैं मकली विवाह, या जो अनियमित विवाह के प्रकार इनमें पाए जाते थे। और विवाह विच्छेद की अपन बात करते हैं तो इनमें सिर्फ विवाह विच्छेद है, तलाक का जो अधिकार है सिर्फ पुरुषों को दिया गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं गांव में जो भी गांव का जो जो अपन कहें कि प्रशासनिक जो इनका सिस्टम होता है, यानी कि अपन जो प्रशासन इनके द्वारा चलाया जाता है उसमें जो गांव का जो मुखिया होता है, गांव का जो मुखिया होता है उसको जनजातियों में पटेल कहते हैं या मुखादम कहा जाता है। यानी कि जो गांव का जो मुखिया होता है या अपन कह सकते हैं गांव का जो प्रशासन चलाने वाला सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको अपन क्या कहते हैं, गांव का मुखिया, या उसको जिसको पटेल या मुखादम उसको कहा जाता है। गांव के जो आपसी जो विवाद होते हैं, गांव के जो आपसी जो विवाद हैं उन विवादों का जो निपटारा करने का काम वहाँ की पंचायत के द्वारा किया जाता है। यानी गांव में कोई भी विवाद हो गया उस गांव का जो निपटारा करने का काम, उसको सुलझाने का काम किसके द्वारा, गांव की पंचायत के द्वारा किया जाता है। और गांव का जो चौकीदार होता है, यानी गांव की जो रक्षा वाले जो छोटे छोटे गांव होते हैं, फला पल्ली और नागरा नंगला नाडी, ऐसे छोटे छोटे इनके समूह के जो गाँव होते हैं उन गाँव के चौकीदार को कोतवार कहा जाता है। यानी गांव का जो चौकीदार होता है उसको जो क्या कहा जाता है, कोतवार के नाम से उसको पुकारा जाता है। इनमें जो पूजा या अपन कह सकते हैं कि जो भी इनके धार्मिक संस्कारों को संपन्न करवाने वाले जो पुजारी होते हैं या पुरोहित होते हैं, पुजारी वह जो पुरोहित होते हैं उनको इनकी जनजाति में देवबारी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो भी इनके संस्कार होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, विवाह संस्कार जो संपन्न करवाने वाला जो व्यक्ति होता है, जैसे अपने पंडित जी होते हैं, दूसरे मौलवी हैं, पादरी हैं, वैसे ही इनके जो पुजारी और पुरोहित को क्या अपन कहते हैं, उनको देवबारी के नाम से उनको जाना जाता है। ये इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है कि प्रशासनिक व्यवस्था में गाँव का मुखिया को पटेल या मुखादम कहते हैं, गाँव के जो आपसी जो विवाद होते हैं उनको निपटाने का काम जो गांव की जो पंचायत होती है वहां पर किया जाता है। गांव के चौकीदार को कोतवार कहते हैं, पुजारी और पुरोहित को देवारी कहा जाता है।
अब उसके बाद में यहाँ पर जो साक्षरता की अपन बात करते हैं कि जो गौड़ जनजाति हैं वहाँ पर साक्षरता जो प्रतिशत है वो कैसा है। साक्षरता की जब बात आती है तो अपना जो राष्ट्रीय औसत है उस राष्ट्रीय औसत से बहुत कम यहाँ इनमें जो साक्षरता दर पाई जाती है, यानी 7.01 जो अपनी साक्षरता प्रतिशत है राष्ट्रीय औसत है उससे भी कम इनमें साक्षरता प्रतिशत पाई जाती हैं। ओवरऑल अगर महिलाओं की अगर अपन बात करते हैं तो महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत नगण्य होता है, यानी इनको स्कूल भेजा ही नहीं जाता है, स्कूल जाना क्या होता है इनके कोई पता ही नहीं होता। अपन कह सकते हैं न के बराबर इनमें साक्षरता इनकी महिलाओं में पाई जाती है। और उसके बाद में जो साक्षरता के बाद में इनकी अगर जो अपन भाषा या अपन कहें कि ये जो जो बोली जो बोलते हैं वो कौन सी भाषा इनके मिश्रण में है, तो गोडी जो भाषा इनकी होती है वो द्राविड़न भाषा जो दक्षिण भारत की जो भाषा है उससे संबंधित है, यानी उससे मिलती जुलती भाषा इनकी है। जो द्राविड़न भाषा है वो अपने पास में कन्नड़ व तमिल भाषा से मिलकर, जो तमिल भाषा के अंश इसे जो गौड़ जनजाति के जो लोग होते हैं उनकी भाषा में जो पाए जाते हैं कन्नड़ भाषा और तमिल भाषा, इसको अपन कह सकते हैं कि द्राविड़न जो भाषा है दक्षिण भारत की जो भाषा है उससे संबंधित इनकी बोली होती है। लेकिन कुछ गौड़ जनजाति के लोग वर्तमान में जो अपने पास में हिंदी जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गुजरात में रहते हैं महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी भाषा भी वो बोलते हैं, और मराठी भाषा के साथ में तेलुगु जो भाषा है वो भी बोलते हैं। यानी कि ये जरूर नहीं कि द्राविड़ भाषा का ही इस्तेमाल करे, द्राविड़ भाषा के साथ में हिंदी मराठी और जो तेलुगु जो भाषा है उसको भी ये बोलते हैं। ये इनकी क्या है जो भाषाएं हैं जो मुख्य रूप से द्राविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। उसके बाद में इनके जो उत्सव और पर्व होते हैं उनके अपन बात करते हैं कि उत्सव और जो पर्व में कौन से उत्सव और पर्व ये मनाते हैं, यानी गौड़ जनजाति के जो लोग होते हैं उनकी अपन बात करते हैं तो जब भी कोई उत्सव और पर्व आता है तो उस पर एक सामूहिक रूप से नाच गान करते हैं, गीत गाते हैं, और मुख्य रूप से जब इनके जो पूर्णिमा होती है उसमें चांदनी जो रात होती है तो उस चांदनी रात को पूरी रात भर ये नृत्य करते हैं। पुरुष और स्त्रियाँ जो साथ मिलकर ये जो हैं नाचने का काम या उत्सव मनाते हैं उसका आनंद लेते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकताएँ सीमित होती हैं और जब आवश्यकताएँ सीमित होती तो जीवन हर्ष और उल्लास के साथ में आराम से जिया जा सकता है। तो वही अपने पास में गौड़ जनजाति के बारे में है कि ये जो प्रकृति पूजक होते हैं ये प्राकृतिक स्रोतों में रहते हैं, जंगलों में निवास करते हैं तो इनकी जो है आवश्यकताएं बिल्कुल सीमित होती हैं, इसलिए जो भी इनके उत्सव और पर्व होते हैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आनंद के साथ साथ मिलकर जो है ये अपने त्योहारों को मनाते हैं। अब जो उत्सव और पर्व की बात अपन बात करते हैं इनकी, जो जैसे इनके जो भी जो प्रधान होते हैं या अपन कह सकते हैं जो भी इनके कथा सुनाने वाले होते हैं प्रधान होते हैं पुरोहित होते हैं, जो इनकी उत्पत्ति के बारे में इनको जो इतिहास होते हैं जो इनकी गाथाएं होती हैं गौड़ जनजाति के लोगों को उनको गाकर या उनके बारे में सुनाते हैं, तो उन्हीं की एक उत्पत्ति के बारे में इनके जो प्रधान होते हैं वो सुनाया करते हैं। उस कथा के अनुसार जो है कि गौड़ जनजाति के लोगों की जो उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो ये अपने आप को उत्पत्ति के बारे में जब इनके प्रधान जो बताते हैं तो उनके बारे में बताया जाता है कि जब गौड़ जनजाति के भगवान ने जन्म लिया या अपन कह सकते हैं उनके पूर्वज थे उनके जो भी मानने वाले भगवान थे उन्होंने जन्म लिया तो उनकी माँ ने उनको बेसहारा छोड़ दिया। अब ये जो कहानी है कथा है ये गौड़ जो प्रधान हैं उनके द्वारा सुनाई गई है, तो उसके अनुसार गौड़ के जब भगवान ने यानी गौड़ जनजाति के भगवानों ने जब जन्म लिया भगवान ने जन्म लिया तो उसकी माँ ने उनको बेसहारा छोड़ दिया, उस समय उनको सहारा दिया माता पार्वती ने, ये कहा जाता कि पार्वती थी उनको सहारा दिया, लेकिन भोलेनाथ शंभु भगवान नाराज हो गए और इनके भगवान को गुफा के अंदर उनको कैद कर दिया। कैद करने के बाद में इनके जो नायक हुआ करते थे उन नायक का नाम था पहिनेडी कपार लिंगम व जंगूबाई, यानी कि ये दो थे, यानी अपन कैसे पहिनेडी कपार लिंगम व जंगूबाई के सहयोग से
जो अपने भगवान महादेव ने इनके भगवान को जो गुफा में कैद कर दिया था, तो अपने पाहिनड़ी कपाड़ लिंगम और जंगूबाई ने इनको जो गोड़ों के जो भगवान थे उनको वहाँ से मुक्त करवाया, यानी उनको आज़ाद करवाया। जब उनके भगवान जब गुफा से बाहर निकले तो वो चार समूह से वो बाहर निकले थे, और यानी अपन कह सकते हैं कि चार वो भागों में या चार वर्गों में, चार समूह में वो बाहर निकले, और उन चार समूह को, उन चार वर्गों में इनमें सगा के नाम से जाना जाता है। ये जो कथा सुनाई है ये इनके प्रधान थे, इनके जो भी जो पुरोहित थे उनके द्वारा सुनाई गई थी, और वहीं से बाद में इनके जो गौण जनजाति के वर्ग और उपवर्गों की जो है जो आगे उत्पत्ति हुई थी, ये था इनके इतिहास जो इनके प्रधानों के द्वारा सुनाया गया था। इसके बाद में इनके जो मनोरंजन की अपन बात करते हैं कि जो गौड़ जनजाति के जो लोग थे उनका मनोरंजन भूतकाल में यानी प्राचीन समय में किस प्रकार से होता था, तो जब ये मनोरंजन के लिए इनमें जो मुर्गे होते थे उन मुर्गों को आपस में लड़ाकर ये मनोरंजन किया करते थे, यानी कि मुर्गों को आपस में लड़ाया करते थे और उनकी लड़ाई के द्वारा अपने आप को मनोरंजित महसूस करते थे, आनंद लिया करते थे। ये थे गौड़ जनजाति के जो भूतकाल में मनोरंजन के साधन। अब इनके अपन जो देवी देवताएं हैं कि कौन से देवी देवताओं की मुख्य रूप से पूजा करते हैं, तो इनकी जो देवी देवताओं के जो पूजने वाले हैं इनकी अपन बात करते हैं, तो गौड़ जनजाति में मुख्य रूप से अपने पास में यानी कि जो इनका खुद जो मानने वाले जो देवता हैं उसको बड़ा देव बोलते हैं, यानी जो इनकी पूजा करते हैं बड़ा देव, जो शंभू देव यानी कि अपने पास में शंकर भगवान की, महादेव की ये पूजा किया करते हैं। इसके अलावा एक ये उनके जो देवता हैं उसको कहते हैं परसा देव, इसकी भी पूजा ये करते हैं। इसके अलावा शीतला माता और काली माता के साथ में छोटी माता की भी ये पूजा करते हैं। जब इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इनकी पूजा करते समय इन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियाँ अपन कह सकते हैं कि पशु बलि भी दी जाती हैं, लेकिन साथ में ही इनमें जो है एक अपने पास में इनके जो मुख्य रूप से काली माता के साथ में एक दंतेश्वरी जो माता है उसकी जो पूजा करते हैं, एक तो काली माता और एक अपने पास में है दंतेश्वरी माता की जो पूजा की जाती है, और उसको प्रसन्न करने के लिए ये जब बलि देते हैं उस समय नर बलि दी जाती है, यानी कि मनुष्य की बलि दी जाती है। यानी जैसे अपन ने इनके कृषि के बारे में अपन ने पढ़ा था कि जब ये झूमिंग कृषि या पेंडा कृषि या दीपा कृषि ये करते हैं उस समय बीज बोने के बाद में अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, जंगल के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि देते हैं, लेकिन यहाँ पर काली माता और दंतेश्वरी माता को प्रसन्न करने के लिए ये जो है नर बलि भी इनमें दी जाती हैं। और साथ में जो अपने पास में गौड़ जनजाति के जो लोग हैं वो हिंदू धर्म को भी मानते हैं और साथ में प्रकृति के पूजक भी होते हैं, यानी कि प्रकृति को भी पूजते हैं। कुछ गौड़ जनजाति के लोग हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अपने रीति रिवाज या अपन कह सकते हैं कि उनको मानते हैं, जबकि कुछ प्रकृति पूजक होते हैं, प्रकृति जो पूजक होते हैं वो ये मानते हैं कि जो भगवान हैं वो जंगलों में निवास करते हैं, यानी जो प्रकृति पूजक हो प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और ये मानते हैं कि जो भगवान हैं वो कहाँ निवास करते हैं, जंगलों में निवास करते हैं। और इस साथ ही ये जो इनमें जो अंधविश्वास पाया जाता है, जादू टोनों में विश्वास करते हैं, आत्मा अजर और अमर है उसमें ये विश्वास करते हैं। ये इनकी जो देवी देवताओं की पूजाओं के बारे में था, इनके द्वारा दी जाने वाली नर बलि और पशु बलि थी, लेकिन जो नर बलि और पशु बलि जो दी जा रही थी उन्होंने जो अपने बलि जो दी जाती थी उसको 19वीं शताब्दी के आसपास अंग्रेज़ों ने पर इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था, और उसके बाद में बहुत कम अपन कह सकते हैं कि न के बराबर या अपन वर्तमान समय की अगर बात करते हैं तो नर बलि इनमें नहीं दी जाती हैं, और कुछ एक जो इनके देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये पशु बलि देते हैं। और उसके बाद में अपन जो इनके जो आधुनिक संस्कृति की बात करते हैं कि जो आधुनिक संस्कृति का इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो गौड़ जनजाति के जो लोग हैं
उनकी आधुनिक संस्कृति में इतना प्रभाव पड़ा कि वर्तमान समय में ये ऐसी अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की वजह से इनको सरकार की वो सभी सुविधाएं मिल रही है, या अपन कह सकते हैं सरकार की विभिन्न योजनाओं का ये लाभ उठा रहे हैं। यानी अनुसूचित जनजाति में इनको रखा गया है जिससे कि सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका ये फायदा उठाकर जो अपन कहें सरकारी जो उच्च संस्थानों में या इनकी आर्थिक स्थिति में जो पिछले जो 30-40 वर्षों में इनमें अचानक सुधार हुआ है, साथ ही जो सरकार की नीतियों के अनुसार जो आर्थिक क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए जो आर्थिक नीतियों को या अपन कहें नई एक औद्योगिक नीति की शुरुआत की थी, उस औद्योगिक नीति में जो यह था कि जो अपने उद्योग धंधे हैं उनको उन क्षेत्रों में स्थापित किया जाए जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं। यानी जो अपन कहें कि उसका आर्थिक संतुलन बनाने के लिए भारत सरकार ने जो औद्योगिक नीति इस प्रकार से बनाई थी कि उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाए जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं। इसी वजह से आज जितने भी बड़े अपने पास में उद्योग हैं वो बड़ी जो अपने पास में इंडस्ट्रीज हैं, चाहे अपने टाटा आयरन स्टील कंपनी हो, जो अपने पास में विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी हो, ऐसी जितनी भी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने कहें कि आदिवासी क्षेत्रों के आसपास ही स्थापित हैं। इस वजह से पिछले जो 30 वर्षों की अपन बात करते हैं तो पिछले 30 वर्षों में इनके क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में औद्योगिक की स्थापना होने की वजह से यहाँ पर खनन और खदानों की संख्या बढ़ी है, जिसकी वजह से यहाँ की नई और अस्थायी बस्तियाँ उनके पास में बस गई हैं। धीरे धीरे वो जो बस्तियाँ हैं अस्थायी थी वो वर्तमान समय में इन गौड़ जनजाति के लोगों की जो खदानों में काम कर रहे हैं, जो उद्योगों में काम कर रहे हैं, स्थायी रूप से वहाँ पर बसने लगे। इस वजह से वहाँ पर जो आधुनिक सुविधाओं के स्कूल हैं, अस्पताल हैं या अन्य जो बैंकिंग सेवाएं हैं उन सब से जुड़ने लग गए हैं। आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने की वजह से इनके रहन सहन और पहनावे में, इनकी बोलचाल भाषा में यानी खान पान में इनको जो बदलाव आने लग गया है, साथ ही सरकार के द्वारा इनके समाज में एक दास प्रथा चलती थी, यानी कि दास प्रथा चला करती थी, इसको कबाड़ी प्रथा बोलते हैं। यानी कि इस कबाड़ी प्रथा पर जो भारत सरकार ने क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। और ये कबाड़ी प्रथा है क्या, यानी अपन बात करते हैं कबाड़ी प्रथा पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन ये कबाड़ी प्रथा क्या है, यानी कि गौड़ जनजाति में जो कबाड़ी प्रथा चलती थी एक ऐसी दुष्चक्र वाली दास प्रथा की प्रथा थी जिसमें जो गौड़ जनजाति के जो लोग हैं वो किसी सेठ साहूकार से थोड़ा सा पैसा अगर उधार ले लेते हैं, कर्ज के रूप में वो लेते हैं, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए उसके अनुबंध के अनुसार उसकी कई पीढ़ियाँ यानी पीढ़ी दर उसके वो काम करते रहते थे। ऐसी जो प्रथा थी उस प्रथा पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, और वो प्रथा कौन सी थी, कबाड़ी प्रथा, जिसमें अपन छोटा सा कर्ज था और उस कर्ज को उतारने के लिए उस सेठ साहूकार के गौड़ जनजाति के जो भी समुदाय हैं सदस्य हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके वो काम करते रहते थे। ऐसी प्रथा का नाम था कबाड़ी प्रथा। उस कबाड़ी प्रथा पर जो सरकार ने क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये अपने पास में है गौड़ जनजाति का जो इतिहास है, गौड़ जनजाति की अपने पास में समाज और संस्कृति है, और गौड़ जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है, किस प्रकार से कहाँ रहते हैं, और वर्तमान में जो आधुनिक संस्कृति में इनको अनुसूचित जनजाति SC में जो शामिल करने की वजह से विभिन्न सरकारी जो योजनाएँ हैं उनका लाभ मिलने की वजह से, इनके निवास क्षेत्रों में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करने की वजह से, और इनमें जो भी दास प्रथाएँ जी या अपन कह सकते हैं कि इनके जो रीति रिवाज थे, जो इनकी अंधविश्वास प्रथाएँ थी, उनमें ढीलापन या अपन कह सकते हैं वो कमज़ोर होने की वजह से, आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने की वजह से इनका जो जीवन है वो सुखमय और पहले की तुलना में आनंदमय तरीके से व्यतीत होने लग गया है। तो ये थी अपनी भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह गौड़ जनजाति। अगले वीडियो में नई जनजाति के नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।